कोविड 19 वैश्विक महामारी के दौरान अनलॉक 2 को देखते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव द्वारा दक्षिणांचल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों को अनलॉक 2 का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हर पुलिसकर्मी अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केंद्र पर विशेष सतर्कता बरतेंगे। उन्होंने कहा कि कैश वैन, पेट्रोल पंप से बैंक ले जाने वाले कैश और गैस एजेंसी से बैंक ले जाने वाले कैश के समय विशेष सतर्कता बरतनी आवश्यक है। इसके अलावा सराफा कारोबार और थोक व्यवसाय स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जाए। साथ ही एसपी साउथ ने अपने मातहत थाना प्रभारियों को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि किसी भी हालत में लूट की वारदात नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ सड़कों और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ ही कंटेनमेंट जोन में प्रशासन की मंशा के अनुरूप व्यवस्थाएँ कराने का भी निर्देश दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हाँ, जो अभी जो वर्तमान परिवेश है इसको दृष्टिगत रखते हुए कि लूट नहीं होनी चाहिए और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए यह पुलिस को, सभी थाना अध्यक्षों को, सबको बताया गया कि सब अलर्ट मोड में रहेंगे और जो बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केंद्र के अलावा जो गैस एजेंसियां हैं और पेट्रोल पंप हैं, जब इनके कैश लेके जाते हैं उस समय भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस समय कोई इनके साथ कोई वारदात ना हो जाए। सर, इसमें लॉकडाउन 2 में सोशल डिस्टेंसिंग और भी तमाम चीज़ों को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए? वो चल ही रहा है, लॉकडाउन अनलॉक 2 में भी ऐसी स्थिति है। आपको मालूम है कि 31 जुलाई तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है और इसका पालन कराना है। अनलॉक 2 में जो परिस्थितियाँ जैसे पहले की थी वैसी ही हैं। जो दुकान जिस दिवस को उनका निर्धारित है उस दुकान पे खोली जाएंगी उस दुकान, और निर्धारित दिवस और समय का पालन कराना सभी को निर्देशित किया गया है कि लॉकडाउन में पूर्णतः इसका पालन कराया जाए।